बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अवर चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सब्स्टिट्यूट एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट पोर्शन ऑफ अमेज़न सर्च रिलेवेंस इवैल्यूएशन। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द एग्जैक्ट पोर्शन ऑफ अमेज़न सर्च रिलेवेंस इवैल्यूएशन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको अच्छे से समझे होंगे और आपको समझ भी आया होगा। तो आज हम सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट देखेंगे कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और क्या रूल्स हैं इनके। तो चलो शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूट वहाँ पे इस्तेमाल होगा जहाँ पे जो कस्टमर की इंटेंशन है, अगर वो आईफोन 10 बाई करने की है और सर्च रिजल्ट में आईफोन 11 आ जाता है, तो उस सूरत हाल में सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल होगा। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ द प्रोडक्ट डिफर्स फ्राम द वन इंटेंडेड बट इट इज़ फंक्शनली इक्विलेंट, देयर विल बी सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट बट मे डिफर फ्राम ब्रांड और कलर और टाइटल और अदर डिटेल्स। मीन्स कि अगर कोई प्रोडक्ट है वो फंक्शनली इक्विलेंट है और जो उसकी ब्रांड है या कलर है या कोई और चीज़ है वो उसकी अलग है और बट वो फंक्शनली इक्विलेंट है, तो उस सूरत हाल में सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आईफोन 10 सर्च क्वारी है और सर्च रिजल्ट में अगर आईफोन 11 आता है, तो उस सूरत हाल में हमने सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करना है। और अगर सर्च क्वारी में आईफोन 10 इन ब्लैक कलर है और सर्च रिजल्ट में आईफोन 10 इन वाइट कलर आता है, तो उस सूरत हाल में भी हमने सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि अगर सर्च क्वारी में कोई एंड्रॉयड का फ़ोन आता है जैसे सैमसंग M21 और सर्च रिजल्ट में कोई एंड्रॉयड के अलावा कोई दूसरा फ़ोन आता है, एप्पल का फ़ोन आता है, तो उस सूरत हाल में हमने इरेलीवेंट का इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये याद रखने वाली बात है कि अगर सर्च क्वारी में एंड्रॉयड का फ़ोन आए या एप्पल का फ़ोन आए और सर्च रिजल्ट में एंड्रॉयड का फ़ोन आ जाए, तो उस सूरत हाल में हमने इरेलीवेंट का इस्तेमाल करना है। मीन्स कि अगर सर्च क्वारी में आईफोन 10 आ रहा है और सर्च रिजल्ट में कोई एंड्रॉयड का फ़ोन जैसे M21 या M31 कोई भी एंड्रॉयड का फ़ोन आ रहा है, तो उस सूरत हाल में हमने इरेलीवेंट का इस्तेमाल करना है। और अगर सर्च क्वारी में एंड्रॉयड का फ़ोन आ रहा है जैसे सैमसंग M31 और सर्च रिजल्ट में भी आ रहा है वीवो का कोई भी फ़ोन आ रहा है, तो उस सूरत हाल में हमने सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करना है। और अगर सर्च क्वारी में एप्पल का फ़ोन आ रहा है और सर्च रिजल्ट में भी एप्पल का फ़ोन आ रहा है, चाहे वो जो मर्ज़ी मॉडल हो, तो उस सूरत हाल में भी हमने सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करना है। बट जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि अगर सर्च क्वारी में एंड्रॉयड का फ़ोन आ जाए और सर्च रिजल्ट में एप्पल का फ़ोन आ जाए, तो उस सूरत हाल में हमने इरेलीवेंट का इस्तेमाल करना है। आई होप यू क्लियर इट। और जो सेकंड ऑप्शन है, जो सेकंड रूल है, वो ये है कि अगर प्लस माइनस जो साइज़ में डिफरेंस हो, और जैसे फॉर एग्जांपल जो टेडी बियर है और जो रिक्वायरमेंट है सर्च क्वारी की, वो टेडी बियर 4 फीट की है और बट सर्च रिजल्ट में टेडी बियर 5 फीट का आ रहा है, तो उस सूरत हाल में हमने सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करना है। और अगर सर्च क्वारी में ये भी आ रहा है कि शूज़ फॉर 10 ईयर ओल्ड बाय बट सर्च रिजल्ट में शूज़ फॉर 11 ईयर ओल्ड बाय आ रहा है, तो उस सूरत हाल में भी हमने सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करना है। और जो थर्ड ऑप्शन है वो ये है कि इफ़ द क्वारी सोल्ड विद एक्सटेंडेड बंडल इट शुड बी मार्क्ड एज सब्स्टिट्यूट। मीन्स कि अगर कोई प्रोडक्ट है वो नॉर्मल एक्सेसरीज के अलावा जो एक्सटेंडेड बंडल्स होते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं कि ये इनके साथ होंगे ही, तो उस सूरत हाल में हमने सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करना है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट वाले में कि अगर सर्च क्वारी फ़ोन है और सर्च रिजल्ट में अगर वहाँ पे फ़ोन के साथ उसका केस, उसका चार्जर, उसका एयरफोन आ रहा है, तो ये चीज़ें तो नॉर्मल एसेसरीज हैं और ये एक्सपेक्टेड टू बी परचेज होती हैं, तो इस सूरत हाल में एग्जैक्ट का ऑप्शन आता है। बट यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि अगर यहाँ पे सर्च क्वारी के साथ एक्सटेंडेड बंडल आ जाए, मीन्स के जो नॉर्मल एसेसरीज के अलावा जो एक्सटेंडेड बंडल्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है, अगर सर्च क्वारी कैमरा है और सर्च रिजल्ट में कैमरे के साथ साथ जो उसकी इंटायर लाइटनिंग किट है वो आ जाए, तो उस सूरत हाल में हमने काम सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कैमरा है और सर्च रिजल्ट में आ रहा है कि एंड द सर्च रिजल्ट हैव कैमरा बंडल्ड इंटायर रेडियो लाइटनिंग विद विच शुड बी मार्क्ड एज सब्स्टिट्यूट। मीन्स कि अगर सर्च क्वारी कैमरा है और सर्च रिजल्ट में कैमरे के साथ साथ जो इंटायर लाइटनिंग किट है, जो वो
लाइटनिंग किट होती है, तो अगर वो भी साथ में वहाँ पे रिजल्ट में शो हो रही हो तो उस सूरत हाल में हमने सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करना है। और अगर सर्च क्वारी कैमरा है और सर्च रिजल्ट में कैमरे के साथ उसका कार्ड है या चार्जर है या ट्राईपॉड है, तो ये तो नॉर्मल एसेसरीज हैं। अगर ऐसी चीज़ है तो इस सूरत हाल में हमने एग्जैक्ट का इस्तेमाल करना है। और अगर नॉर्मल एसेसरीज के अलावा कुछ एक्सटेंडेड बंडल्स जो हैं वो आ रहे हों तो उस सूरत हाल में हमने यहाँ पे काम सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करना है। और ये नीचे मैं कुछ एग्जांपल दी हुई है कन्फ्यूज़न क्लियर करने की एग्जैक्ट और सब्स्टिट्यूट में। जैसे मैंने आपको ऊपर एक अभी एग्जांपल दी थी कैमरे की, ये नीचे भी आ गई है कि अगर सर्च क्वारी में कैमरा है और सर्च रिजल्ट में बंडल ऑफ कैमरा उसके साथ मतलब कार्ड रीडर केस ट्राईपॉड और चार्जर आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल एक्सेसरीज हैं। ये पता है कि हम जब भी कैमरा ख़रीदने जाएंगे तो उसके साथ ही हम ये मिलेंगी ही, तो इस सूरत हाल में हमने एग्जैक्ट का इस्तेमाल करना है। और अगर हम कैमरा ख़रीदने जाएँ और उसके साथ बंदा वो लाइटनिंग किट भी दे दे, तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो उसमें अल्टरनेट का इस्तेमाल होता है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये कह रहा हूँ कि हम ये ख़रीदना चाहें तो यहाँ पे सिर्फ क्वारी होगी और जो सर्च रिजल्ट होगा आपको बस वही देख के वहाँ पे जजमेंट देनी है। और मैं एक बार फिर बता देता हूँ, अगर सर्च क्वारी में कैमरा आ जाए और सर्च रिजल्ट में अगर कैमरे के साथ उसका कार्ड रीडर या केस ट्राईपॉड या चार्जर आ जाए तो उस सूरत हाल में हमने एग्जैक्ट इस्तेमाल करना है। बट अगर सर्च क्वारी में कैमरा हो और सर्च रिजल्ट में कैमरे के साथ उसका द इंटायर लाइटनिंग किट आ जाए तो उस सूरत हाल में जो एक्सटेंडेड बंडल हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं होती हैं कि ये चीज़ उसके साथ होंगी बट वो वहाँ पे आ जाए तो उस सूरत हाल में हमने सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करना है। आई होप आई क्लियर इट। और यहाँ पे एक और एग्जांपल है मैंने दी हुई कि अगर सर्च क्वारी में ब्लैक टी शर्ट हो और सर्च रिजल्ट में ब्लैक टी शर्ट के साथ वाइट शर्ट आ जाए या कोई और टी शर्ट आ जाए तो उस सूरत हाल में हमने सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है क्वारी में वो सिर्फ ब्लैक टी शर्ट की है, बट यहाँ पे जो सर्च रिजल्ट है इसमें ब्लैक के साथ साथ कोई और टी शर्ट भी आ रही है, वाइट की या ब्लू की कोई भी टी शर्ट हो और ब्लैक की भी हो। अगर ब्लैक की ना हो, अगर सर्च क्वारी में ब्लैक टी शर्ट लिखी हो और सर्च रिजल्ट में सिर्फ आ जाए वाइट टी शर्ट तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट आएगा। और अगर ब्लैक टी शर्ट लिखी हो और सर्च रिजल्ट में ब्लैक भी आ जाए और उसके साथ कोई और भी आ जाए तब भी सब्स्टिट्यूट आएगा। अगर ब्लैक लिखी है और रिजल्ट में ब्लैक हो तो उस सूरत हाल में एग्जैक्ट का इस्तेमाल होगा। और जैसे ये एक और एग्जांपल है आईफोन एक्स सर्च क्वारी है और सर्च रिजल्ट में आईफोन एक्स प्लस उसका कवर आ रहा है तो उस सूरत हाल में एग्जैक्ट का इस्तेमाल होगा। जैसे ही मैंने कल आपको बताया था कि ये नॉर्मल एक्सेसरीज हैं, ये साथ में होती ही हैं, तो उस सूरत हाल में एग्जैक्ट का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है टेबल अगर सर्च क्वारी में टेबल है और सर्च रिजल्ट में टेबल प्लस चेयर आ जाए तो उस सूरत हाल में सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल होगा। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है सर्च क्वारी की वो यहाँ पे टेबल की है, बट जो सर्च रिजल्ट है वहाँ पे वो टेबल के साथ साथ चेयर भी दे रहे हैं, एक के साथ एक फ्री, लेकिन वो काम यहाँ पे नहीं चलता ये अमेज़न वाले, तो इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल होगा। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं कॉम्प्लीमेंट की तरफ। जो सब्स्टिट्यूट है ये अल्हम्दुलिल्लाह आज क्लियर हो चुका है। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको इसके मतलब तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आपके हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तो अब हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट की तरफ। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट आ गया है तो चलें शुरू करते हैं। कॉम्प्लीमेंट तो काफ़ी इजी है, ये सिर्फ वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आएगा अगर जहाँ पे सर्च क्वारी में अगर आईफोन दिया हो और सर्च रिजल्ट में उसका केस आ जाए। चलो हम फिर भी पढ़ लेते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट इज़ नॉट द वन इंटेंडेड बट इट कुड बी यूजफुल टू द कस्टमर इफ़ दे डिड बाई द इंटेंडेड प्रोडक्ट इट दिस कुड बी एन एसेसरी। अगर कोई एसेसरी आ जाए, अगर सर्च रिजल्ट में आईफोन लिखा हो और सर्च क्वारी में आईफोन लिखा हो और सर्च रिजल्ट में उसकी एसेसरी आ जाए या कोई उसका कंपोनेंट आ जाए या कोई रिप्लेसमेंट पार्ट आ जाए और इवन कुछ और चीज़ आ जाए उसके मतलब, तो उस सूरत हाल में हमने कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करना है। जैसे सर्च क्वारी यहाँ पे सैमसंग S20 दी हुई है और सर्च रिजल्ट में सैमसंग S20 केस आ रहा है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसी तरह अगर कोई और भी सर्च क्वारी हो, जैसे कोई फ़ोन है या कोई और चीज़ है, जैसे फ़ोन है और उसके जैसे हम सर्च कर रहे हैं सर्च क्वारी, जैसे अगर
नोकिया का कोई फ़ोन है और उस चार्जर सेट में नोकिया नोकिया के फ़ोन का कोई चार्जर आ जाता है, तो उस सूरत हाल में हमने कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करना है। और एक और बात जो याद रखने वाली ये है कि जो सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज़ ऑलवेज इरेलीवेंट, याद रखना। अगर सर्च क्वारी में लिखा हुआ है आईफोन का केस लिखा हुआ है सर्च क्वारी में, और सर्च रिजल्ट में अगर आईफोन के केस के अलावा किसी और के फ़ोन का केस आता है, किसी और फ़ोन का केस आता है, तो उस सूरत हाल में हमने इरेलीवेंट का इस्तेमाल करना है, बिकॉज सब्स्टिट्यूट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज़ इरेलीवेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। और जो लास्ट वाला रूल है वो ये है कि इफ़ द क्वारी आस्किंग फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बट द रिजल्ट शोज ओनली वन प्रोडक्ट, अब यहाँ पे ये कंजूसी कर रहे हैं, और अगर क्वारी में वहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है कि अगर उनको शैम्पू के साथ कंडीशनर भी चाहिए, बट अब ये अमेज़न वाले यहाँ पे कंजूसी करके सिर्फ उनको सिर्फ रिजल्ट में शैम्पू दिखा रहे हैं, तो उस सूरत हाल में कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल होगा। मीन्स कि अगर सर्च क्वारी में मल्टीपल प्रोडक्ट मांगे हों, ठीक है, रिक्वायरमेंट हो मल्टीपल प्रोडक्ट की, और जो सर्च रिजल्ट है वहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है, इफ़ द क्वारी इज़ शैम्पू एंड कंडीशनर और बट द सर्च रिजल्ट इज़ शोविंग ऑनली शैम्पू, मीन्स कि अगर सर्च क्वारी में शैम्पू एंड कंडीशनर है और सर्च रिजल्ट में सिर्फ शैम्पू आ जाए, तो उस सूरत हाल में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल होगा। ये था आज का टॉपिक, और इंशाल्लाह कल हम जो बाकी बच्चे हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक ग्रुप पे, या कमेंट भी कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।